मेरी सब किसान भाइयों से बात है कि सद्बुद्धि से काम लें, वार्ता करें। और ये अच्छी बात नहीं है कि दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, दिल्ली के रास्ते बंद कर देंगे, दिल्ली को घेर के बैठ जाएंगे। दिल्ली कोई लाहौर या कराची नहीं है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। देखिए, मेरा एक सोच है, कोई भी भाई हो आंदोलन में जो हिस्सा लेते हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए ना ले। ये एक्शनिक मोमेंट्री फेज होता है। लंबी राजनीति करने के लिए आदमी को अपनी विचारधारा पे दृढ़ रहना चाहिए, किसी की कोई भी विचारधारा हो, लेकिन उल्टा पलटी करना अच्छी बात नहीं होती। इस देश में 130-135 करोड़ की आबादी है और लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, एक विचारधारा को सभी लोग नहीं मानते और एक नेता को भी स्वीकार नहीं करते। कुछ भाई जो है सोशल मीडिया में आने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए काले झंडे दिखाएं या विरोध कराएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आम जनता खिलाफ़ हो गई है। मेरी सब किसान भाइयों से बात है कि सद्बुद्धि से काम लें, वार्ता करें। और ये अच्छी बात नहीं है कि दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, दिल्ली के रास्ते बंद कर देंगे, दिल्ली को घेर के बैठ जाएंगे। दिल्ली कोई लाहौर या कराची नहीं है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। या सड़क पे 5,000, 10,000, 20,000 किसान आ जाएं, इस देश का नीति निर्धारण सड़क पे होगा या पार्लियामेंट में होगा? पार्लियामेंट में होगा तो कौन करेंगे? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। मोदी जो है कोई थोपे हुए राजा नहीं है, मोदी को भी जनता को मैंडेट है, अभी भी जनता का समर्थन मिला उसको। बिहार में चुनाव हुए हैं, बंगाल में होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में हैं। इन ये कानून लगने के बाद में कितना ज़बरदस्त बहुमत से लोगों ने समर्थन दिया है, वो क्या किसान नहीं है क्या? या सड़क पे 5,000, 10,000, 20,000 किसान आ जाएं, इस देश का नीति निर्धारण सड़क पे होगा या पार्लियामेंट में होगा? पार्लियामेंट में होगा तो कौन करेंगे? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। अगर वो गलत काम करेंगे, जनता को स्वीकार नहीं होगा, तो जनता को उनको हटाने का हक है। लेकिन सड़क की राजनीति अच्छी बात नहीं है। देश तरक्की के रास्ते पर चला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कश्मीर की समस्या का समाधान हो रहा है, तरह तरह की चीज़ें, रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, हाईवेज का जाल बिछ रहा है। कुछ ताकतों को, विदेशी ताकतों को ये जो है देश का विकास अच्छा नहीं लगता। कुछ विदेशी ताकतों को मोदी का चेहरा पसंद नहीं है और ये मोहरे बना के किसान के नाम से, ये सही है कि किसान के नाम से कोई विरोध नहीं करता। हर आदमी कहेगा, मैं भी कहता हूँ, हाँ मैं किसान का आंदोलन का खिलाफ़ नहीं हूँ। कोई आदमी कौन कहेगा किसान के आंदोलन के खिलाफ? तो ये अपनी अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना बंद करें।